फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डन क्लासेस। मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लॉ ऑफ इंडिसेस यानी कि घातांक के नियम के फोर्थ पार्ट करवाने वाला हूँ। मैंने आपको थर्ड पार्ट तक करवा दिया है और आज मैं चौथा पार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि यदि आप अभी 9th क्लास में हो, ठीक है, यदि आप अभी 9th क्लास में हो तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है ये चैनल आपके लिए हार्डन क्लासेस। वो इस प्रकार से फ्रेंड्स कि मैं इस चैनल पर आप ही के बुक्स की, ठीक है फ्रेंड्स, आप ही के बुक्स की 9th क्लास का मैथ का बुक का पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और ये मैंने घातांक के नियम के चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ और इसमें मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। बस आप लोगों का बस एक ही काम है फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो को देखना है और वहाँ से आप अपना फेयर भी कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से मैंने हर एक क्वेश्चन को समझाया है, बहुत ही बारीकी से। तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जाकर मेरी वीडियो को देखें, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको उसमें से कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का पार्ट शुरू करते हैं। मैंने आपको पार्ट 3 तक वीडियो दे चुका हूँ और उसमें मैं आपको क्लास 9th के बुक्स की क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 4 है और यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है छोटे से बड़े क्रम में सजाना है और कुछ प्रूव इट सवाल दिया हुआ है, ठीक है, सिद्ध करो। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन दे कि छोटे से बड़े क्रम में सजाइए या फिर बड़े से छोटे क्रम में सजाइए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मुझे क्या करना है, इन सभी अंक जो मुझे दिया हुआ है, जो बेस दिया हुआ है 5, 10, 6, इसका पावर को इक्वल करना है। अगर हमारा पावर इक्वल हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ मेरा 12 होता है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ अगर मेरा 1/12 आ गया, यहाँ 1/12 आ गया और यहाँ भी मेरा 1/12 आ गया, मान लीजिए कि तीनों जगह मेरा पावर में क्या आ गया, 1/12 आ गया, तो हम वहाँ से कैसे देखेंगे कि ये मेरा छोटा है, ये मेरा बड़ा है। तो यहाँ पे फिर बेस से उसको तुलना करेंगे, यानी मेरा 5 छोटा है, पहले 5 होगा, सबसे छोटा में पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा। तो ऐसा तभी बता सकते हैं जब मेरा पावर सबका इक्वल आएगा। तो ये सब प्रोसेस कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले काम क्या करना है, ये जो हमारा दिया हुआ है 2, 4 और ये जो 3 दिया हुआ है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2, 4 और 3, इसका हमें एलसीएम निकालना है सबसे पहला काम। तो एक बार में 2 हो गया, 2 दूना 4 और ये तो 3 कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो हमारा दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ और ये जो दिया हुआ, तीनों को लेकर चलना है साइड बाई साइड। देखिए ये हो गया हमारा 5/2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और जो मैं आपको बुक्स का पूरा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, अब हमारे कितना आया था एलसीएम, एलसीएम हमारा 12 आया था। तो हमें करना क्या है, हमें ऊपर नीचे कुछ ऐसा अंक से गुना करना है जिससे हमारा ऊपर भी 12 आ जाए और नीचे भी 12 आ जाए। ऊपर मेरा 12 आए या मत आए, लेकिन नीचे हमारा 12 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने नीचे वालों का लसअपा निकाला है ना, 2, 4, 3 कहाँ है, नीचे में है मेरा, तो मैंने इसका लसअपा निकाला है, तो हमें इस नीचे वाले को 12 करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ 2 दिया हुआ है तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो सभी को जानता है 6 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम नीचे में 6 से गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं गुना करके, 6/12 लिख सकते हैं आराम से। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 6 और ये होल का पावर 1/12। देखिए एक ही बात है ना, देखिए बात बराबर पड़ेगा, हम 6 को यहाँ लिखे या 6 को ऊपर लिखे, बात बराबर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी मेरा ब्रैकेट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है हमारा 10 है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हमारा 1/4 है, अब यहाँ पर देखिए, अब इस 4 को कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा और इसी 3 से हमें ऊपर भी गुना करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 का पावर 3/12 हो गया, 3/12 हो गया। अब ये, अब 3 को हम अंदर ले लेते हैं और इसके जैसा कर देते हैं, तो बाहर में 1/12 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर हम 5 का पावर 6 तोड़ेंगे तो हमारा बहुत आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का पावर जो क्यूब होता है वो हमारा कितना होता है, 125 होता है, और फिर से 5 का पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 125, यानी कि यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा नंबर आने वाला है, यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1000। अब इस 1000 का पावर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। तो क्या है, 6 का पावर 1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ भी हमें 12 करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा और उसी 4 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो 4/12 हो गया। और फिर यहाँ से हम 4 अंदर ले लेंगे और ये 12, 1/12 हम बाहर कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ जो मेरा आया 6/6 का पावर 4, इसका मतलब क्या होगा, अब इसे भी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे टूटेगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी क्या हो जाएगा, 6 जगह 36, 36 जगह होता है 216 हमारा। और 216 में जब 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 जगह 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 6 3 9 हो गया, यानी 16 जगह 96, और 6 दूना 12, यानी हमारा क्या आया, 1296 आ गया। और इसका पावर क्या हो गया हमारा, 1/12 हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स कि इन तीनों में हमारा सबसे छोटा क्या है, क्योंकि छोटे से बड़े बोला गया है, तो हमारा सबसे छोटा क्या है, तो देखिए हमारा सबसे छोटा है ये 1000, क्योंकि ये गुना करने पे हमारा 6 डिजिट आने वाला है। यहाँ पे हमारा 4 डिजिट आया और यहाँ पे हमारा 1000 है, तो जो कि इससे छोटा है। अभी हमारा 1000 सबसे छोटा हो गया, तो ये 1000 कहाँ से आया है, ये 1000 मेरा आया है यहाँ से 10^4 से, यानी सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 10^1/4। अब इससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए 1296 हो जाएगा, यानी 6^1/3। और लास्ट में हमारा क्या बचा, तो 5^1/2। बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ भी सेम काम करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, वो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो हमारा मैथ दिया हुआ था, ठीक है, जैसे 2, 4, 3, अगर हमारा बटा में सवाल दिया जाएगा तो हम लोग एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा इस प्रकार से रहेगा तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए वो चीज़ क्या है कि यहाँ जो हमारा पावर दिया हुआ है, तो आपको एक ऐसा पहाड़ा खोजना होगा जिससे हमारा ये चारों जो पावर में जो दिया हुआ है, जैसे दिया है ना 60, 48, 36 और 24, ये हमारा एक पहाड़ा से कटना चाहिए और वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा पहाड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा है 12। देखिए 12 दूना 24 होता है, 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60, यानी सही मेरा 12 के पहाड़ा से कट जा रहा। तो देखिए सबको लेते हैं बारीकी से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2^5 और ये होल का पावर 12, क्योंकि देखिए 12। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हर बार मैं बताता हूँ क्या, कि जब भी हमारा ये ब्रैकेट रहता है, इसका मतलब होता है क्या कि जब भी हमारा ये ब्रैकेट रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, पावर को आपस में गुना कर देते हैं, है ना। जब भी ब्रैकेट रहेगा तब भी हम लोग पावर को आपस में गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेरा 60 हो गया, और मैंने आपको बताया था कि सबको 12 के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3^48 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3^4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरीके से मेरा यहाँ पे 4^36 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4^ क्या, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। देखिए सबका पावर में मेरा 12 आ रहा, और इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था कि सबका पावर में मेरा क्या आ रहा था, 1/12 1/12 1/12, बस हमें पावर सेम करना है, अंदर का डिजिट जो भी आएगा उसी से पता चलेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, तो 5^24 है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5^2 और होल का पावर 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लास्ट में हमारा 12 हो गया, और अंदर में क्या हो गया, 5 4 3 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा बड़ा कौन है छोटा कौन है। तब देखिए फ्रेंड, 2^5 कितना आएगा, थोड़ने पर गुना कीजिए, 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, यानी कि 2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा 32, और ये 32 का पावर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेकंड में आते हैं, तो 3^4, अब 3 को हमको 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो देखिए कितना आता, 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 81^12। अब 4^3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 64, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो, और 5 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, 25, तो 25 का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए मेरा सभी का पावर क्या हो गया, सभी का पावर मेरा सेम हो गया 12, लेकिन अंदर का हिस्सा क्या अलग अलग है। अब इसी से हमें बताना है कि सबसे छोटा और फिर उसके बाद बड़ा कौन है। देखिए सबसे छोटा हमारा क्या है, 25 है हमारा सबसे छोटा, तो ये कहाँ से आया, 5^24 से आया, तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा 25 के बाद, तो ये 32 आता है, यानी 2^60।
फिर थर्ड में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो 4 का पावर 36 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, 3 का पावर 48। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस इतना आसानी से मैं आपको समझा दे रहा हूँ हर एक मैथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि क्या सिद्ध करो है ना, प्रूफ इट मतलब क्या सिद्ध करो। चलिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना पड़ता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि मैं फिर से उतारता हूँ, क्या ए का पावर क्यू और यहाँ पर क्या ए का पावर आर, ये हो गया इतना। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ पहले, यहाँ पर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इक्वल टू में क्या है, 1 है, मतलब कि हमें 1 लेकर आना है। अब देखिए कैसे आता है, मैंने आपको को सिखाया था क्या कि जब भी हमारा बटा में रहता है कोई भी चीज़ जिसका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, और अगर वो बटा में रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर, और ये बाहर में हमारा पी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है तो पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी आर माइनस पी, और पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पी माइनस क्यू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा, अब गुना करना पड़ेगा। तो इस पी में इससे गुना करेंगे, क्या बताया था आपको कि जब भी हमारा ब्रैकेट रहता है तो क्या होता है, पावर में आपस में गुना कर देते हैं। अब पी से गुना करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखिए पी क्यू माइनस पी आर, फिर क्या आएगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यू आर माइनस पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था, और ये आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, कि जब भी हमारा ये इनटू फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, सभी का पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का पावर पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी आर माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए सब हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट गया इसके साथ, ये कट गया क्यू आर इसके साथ, और ये कट गया इसके साथ, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। और किसी का ये पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया ना, जो यहाँ मेरा था वही मेरा यहाँ पे भी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए सेम डिटो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ भी हम एलएचएस लेकर चलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स पावर एम बाई एक्स पावर एन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, एम प्लस एन है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, यहाँ एल है यहाँ एन है, तो एन प्लस एल हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारा एल, और यहाँ पे हमारा एम है, तो ये क्या है यहाँ पे एल प्लस एम हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अब वही सेम चीज़ है, मेरा भागा में दिया हुआ है और बेस सेम है, पावर थोड़ा अलग है, तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एन माइनस एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एन प्लस एल, फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो एल माइनस एम, और ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एम हो जाएगा। अब देखिए फिर पावर में गुना कर देंगे, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, देखिए ये वाला फार्मूला, यदि ए माइनस बी और ए प्लस बी को आपस में गुना किया जाए तो हमारा फार्मूला क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस उसी फार्मूला पे ये सभी हमारा होगा। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ए है वहाँ हमारा एम हो गया, जहाँ पर बी है वहाँ हमारा एन हो गया, तो गुना करने पे क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर वही सेम हो गया, देखिए तीनों का मेरा बेस सेम है और ये मेरा इनटू फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबका पावर को जोड़ देंगे, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी सब कट जाएगा हमारा, एल स्क्वायर कट गया, ये एन स्क्वायर कट गया, और ये एम स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी मैं हमारा 1 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये 1 दिया हुआ है, बस ये हमारा 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको हर एक मैथ समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी हमारा क्या, भाग के फॉर्म में दिया हुआ है और ऊपर नीचे लिखा हुआ है,
तो लेकर चलते हैं LHS बराबर, देखिए क्या हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस एन हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस एल, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x का पावर n माइनस एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n प्लस एल माइनस एम। मतलब बस हम इसका काम करें, ठीक है, जो भाग दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो एल माइनस एम, और बाहर में क्या हो जाएगा, तो एल प्लस एम माइनस एन। अब यहाँ पे देखिए सर, में गुना करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, हमारा वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हम लोग तरीका तो जानते हैं ना फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको मैंने जो सिखाया है बस वो तरीका को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे यहाँ पे होगा, देखिएगा। अब यहाँ पर पहले हम m से सब में गुना करेंगे, फिर सब में हम n से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर, फिर m से n में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एम एन, फिर m से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एल एम। अब इस n से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एम एन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर, और फिर प्लस एल एन हो जाएगा। देखिए हो गया ऐसा काम ख़त्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी सेन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन एल, सॉरी एल एन माइनस एम एन हो जाएगा, और फिर इस एल से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एन, वही एल एन लिखे या एन एल लिखे बात बराबर है, माइनस एल स्क्वायर, और फिर ये प्लस एल एम हो जाएगा, हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला है, तो ये हमारे को ऐसे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एल एन, फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये एम एल, फिर एम स्क्वायर, और फिर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी एम एन हो जाएगा ना, एम एन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यही सेम हो गया मेरा, कि तीनों मेरा गुना के फॉर्म में दिया हुआ है, भले पावर में जो भी है, लेकिन तीनों मेरा गुना के फॉर्म में दिया हुआ है, और तीनों का ही बेस क्या सेम है हमारा, तो बस सबको ऐड कर देंगे सबका पावर को। तो देखिए लिखते हैं, अब देखिए एक चीज़, यहाँ से ये मेरा एम एन कट गया, यहाँ से हमारा क्या कट गया, देखिए एल एन कट गया, यहाँ से हमारा एल एम कट गया, है ना, अभी छोटा हो गया, अभी से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एन स्क्वायर, और फिर प्लस एल एन। अब इससे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन, फिर माइनस एल स्क्वायर, और फिर प्लस एल एम। फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, तो एल स्क्वायर माइनस एल एन माइनस एम स्क्वायर, और फिर प्लस एम एन। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, सब हमारा कट जाएगा, कैसे कटेगा देख लीजिए, ये हमारा प्लस एम स्क्वायर है, और ये हमारा माइनस एम स्क्वायर है, फिर ये हमारा एल एम है माइनस में, और यहाँ हमारा एल एम है प्लस में, फिर यहाँ हमारा एन एन स्क्वायर माइनस में है, और ये हमारा प्लस में दिया है, फिर यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस ये प्लस, फिर ये माइनस ये प्लस, यानी सभी हमारा कट जाएगा। तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। और मैंने आपको समझाया था कि किसी का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए इसके जैसा आ गया ना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। LHS लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है सवाल में, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा घूम जाओ। लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखते हो, तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा दिल कहता है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो हमारा वही हो गया ना, सबको जोड़ना पड़ेगा, वही हो गया ना। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने पावर को गुना करना पड़ेगा, तो पहले गुना करते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, अगर हम गुना कर देंगे ना, तो ये थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो आप इसे ध्यान से देखिए हम कैसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे गुना नहीं करेंगे, बस ये जैसा है उसे बस हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, देखिए लिख सकते हैं आराम से। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वन बाई वाई माइनस जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, देखिए लिख ही सकते हैं आराम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो वन बाई
जेड माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, तो जेड माइनस वाई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं क्या फ्रेंड्स, देखिए नोटिस कर रहे हैं क्या, देखिए यहाँ हमारा एक्स माइनस वाई दिया है और यहाँ हमारा वाई माइनस एक्स है, यानी अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा सेम सेम हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा वाई माइनस जेड दिया हुआ है और यहाँ हमारा जेड माइनस वाई है, तो इसे भी अगर उल्टा कर दें तो ये भी हमारा हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं। चलिए करते हैं, फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जैसा है ये हमारा वैसे ही रहेगा, हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं यानी माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये मेरा पलट जाएगा यहाँ पे, तो वाई माइनस जेड और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, पलट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, अब यहाँ से देखिए अगर हम चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा माइनस वन इसके लिए लेते हैं और माइनस वन हम इसके लिए लेते हैं, दोनों के लिए माइनस हम वन लेते हैं, यानी कि हम दोनों को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस जेड हो जाएगा और ये हमारा वाई माइनस जेड हो जाएगा, है ना। अब हम दोनों से जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, अब सभी का पावर को आपस में जोड़ देते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस जेड, ठीक है, फिर प्लस, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस दिया तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड और फिर एक्स माइनस वाई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस जेड और वाई माइनस जेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसका बस एलसीएम ले लेना है, क्यों गुना करने जाएंगे, गुना करेंगे तो ये मेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा एक्स माइनस वाई आ रहा है, फिर हमारा एक्स माइनस जेड भी आ रहा है दो ठो, तो एक ले लेना है, फिर हमारा वाई माइनस जेड भी दो ठो आ रहा है तो एक ले लेना है। अब इसे क्या करेंगे, ऊपर में लिखते जो हमारा बच जाता है, देखिए यहाँ से हमारा एक्स माइनस वाई हो गया और एक्स माइनस जेड मिल गया, वाई माइनस जेड नहीं मिल रहा, तो इससे हम गुना करके ऊपर लिख देंगे वाई माइनस जेड माइनस। अब यहाँ हमारा वाई माइनस जेड मिल रहा है और एक्स माइनस वाई मिल रहा, लेकिन ये हमारा एक्स माइनस जेड नहीं मिल रहा, तो इस एक्स माइनस जेड को यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस जेड। प्लस जेड क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले से बाहर में माइनस ले चुका है। अब यहाँ देखिए ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमारा दोनों मिल रहा है, एक्स माइनस जेड भी मिल रहा और वाई माइनस जेड भी मिल रहा, लेकिन क्या नहीं मिल रहा, एक्स माइनस वाई नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई हम कर देंगे। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा हमारा वाई वाई कटा, जेड जेड कटा और एक्स एक्स भी कट गया, तो क्या बचा, ऊपर में हमारा जीरो बचा है ना, और नीचे क्या बचा हमारा, तो नीचे हमारा बचा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जीरो को किसी भी नंबर से भागा देते हैं तो हमारा जीरो ही होता है, और किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, वह हमारा वन होता है, देखिए प्रूव्ड हो गया। यहाँ भी हमारा वही सेम था, वन लाना था और यहाँ भी हमारा वन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आप ही के बुक्स की पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको फ्री में क्लास करवाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।